हरियाणा के नूह में हालिया दंगे के बाद काफी तनाव है। मेवात के इस इलाके में धार्मिक सौहार्द के बिगड़ने की अक्सर घटनाएं सामने आती रहती हैं। सोमवार को धार्मिक जुलूस के दौरान हुए पथराव में कई लोग घायल हो गए। नूह में धार्मिक जुलूस में हुए उपद्रव में दो होमगार्ड समेत तीन लोगों की मौत हो गई। कथित तौर पर दोनों होमगार्ड्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में गुरुराम, फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी अशांति फैल गई। पुलिस ने कहा है कि सोमवार की झड़प में कम से कम 60 लोग घायल हुए हैं, इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। मेऊ मुसलमानों के गढ़ नूह में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति साल 2016 में भी आई थी, जब 24 अगस्त 2016 को दो लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई थी। मेवात में बड़ी संख्या में रह रहे हैं मेऊ मुस्लिम। मेऊ मुस्लिम पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनके अस्तित्व को लेकर कई तरीके के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं इनकी जड़ें ईरान में हैं, कई लोग कहते हैं कि वो मीना जनजातियों से हैं जिन्होंने इस्लाम को अपना लिया। करीब 20 लाख की मेऊ आबादी मुख्य रूप से हरियाणा के मेवात जिले और राजस्थान के निकटवर्ती अलवर और भरतपुर में फैले हुए हैं। कई मुस्लिम परिवारों में है हिंदू नाम। कदकाठी और पहनावे पर गौर करें तो मेऊ मुस्लिम मेओ पगड़ी और गैर मेओ भी पगड़ी पहनते हैं। महिलाएं बुरका नहीं बल्कि सिर पर हल्का घूंघट रखती हैं। वो हिंदुओं की तरह ही एक गोत्र में शादी नहीं करते। कई परिवार अभी भी बच्चों को उनके हिंदू नामों से बुलाते हैं। अमर सिंह, चांद सिंह, सोहराब सिंह मेओ नाम हैं, जिनमें खान जैसे टाइटल उनकी मुस्लिम पहचान को जाहिर करने के लिए जोड़े गए हैं। इतिहास में भी है मेओ का योगदान। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 6000 से अधिक मेओ ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन ये स्थानीय तानाशाह के साथ झगड़ा था जिसने मेओ को समुदाय की भावना और जागृत कर दिया और मेओ को पहला प्रामाणिक नेता चौधरी मोहम्मद यासीन खान मिला। मेओ मुसलमान अलवर आंदोलन को भी अपने स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मानते हैं। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें एक स्थानीय नेता ब्रिटिश सरकार से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया था। नूह के मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले युवा मेओ आकीब जावेद खान ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, मेओ अलवर या भरतपुर के राजाओं की तरह पिट्ठू नहीं थे। हम ना तो मुगलों के साथ थे और ना ही अंग्रेजों के।